एंड मेड बाय विमेन क्यों लिखा है? नाम लिखो ना, हमको पता है किसने बनाया, रेखा ने बनाया. वो भी सोचती होगी ना कि कब तक लोग ही जिंदगी में प्रतीक्षा रहे, थोड़ा झलसा कर ले. जो आता भाई तेरा माइक पे है, ये भाई को बोले साइको हटते कोने साइड देके, साफ ना बंदे साफ के बस देके फायदे कर साइड कितने साइड चेक के चक्के केमी साइड ट्रिप से. मेरी पंजाबी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कुछ मांगे तो उसको दिला दो, गाना मत बनाओ. आप लोगों ने वो गाना सुना है, मेरे सुनने सुनने पैर तू तो जाना रहंदा. आगे आगे पता है, बहुत मंग दीना थोड़ा ला दे जांजरा दा जो, है ना. वो शहर जा रहा है, 20 रुपया आइटम क्यों मंगा रही. और जा रहा है ना तू तो ला के दे देना. तू टी सीरीज के ऑफिस जाके बिचिंग क्यों कर रहा है. इनके सारे गाने ऐसे ही हो रहे. वो गाना सुना है ना गोरी, उसमें वो जूते मांग रही और उसको पता है कैसे मना कर रहा है, ना गोरी है. उसको जूते दिखा के है मेरे बंदे को नहीं दिला. हाँ वो ये लोग ही कर रहे. आपको पता है, आप क्या गुजराती हो? कोई गुजराती है? गुजराती आप गुजराती हो, मतलब मुस्लिम गुजराती ना. तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ईद पे ठीक है कि अम्मी आपके अब्बा से मांगेंगे कुछ, तो अब्बा ला के देंगे ना. सब सोसाइटी में जाके गरबा नहीं खेलेंगे ना, ला के देंगे. और मुझे लगता है कि लोग के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, म्यूज़िक कंपनीज जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लिखा हुआ रहता है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है, प्यार करती है, चलेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत जगुआर से कम नहीं होनी चाहिए. इंडियन आइडल पंजाब के ऑडिशन होते होंगे ना, ऐसे ओपन ऑडिशन, कह रहे सुनो सुनो किसी की गर्लफ्रेंड गोल्ड डिगर है, 4 दिन पहले पायल मांगी थी, चलेगा आ जा. यही लोग कर रहे, बाकी लोग नहीं कर रहे. और अच्छा है लोग है ना, भांगड़ा म्यूजिक ही बनाते, कवाली वाली नहीं बनाते. तो इनकी कवाली कैसे, चलो बुलावा ख्वाजा ने बुला, माँ किचन से बोलेगी ना चूती ये. होमवर्क कर. यही कर. हनी सिंह सही था, मस्त था. वो लड़की को बोलता था भिंडी ला रोटी ला, उसने सोनाक्षी से खाना मंगवा लिया, सोनाक्षी भी भिंडी लाई बोले रोटी खा गई. तो बस मुझे पंजाबी म्यूजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के गाने से जो लड़कियों को गोल्ड डिगर दिखाते. क्योंकि अभी क्या है ना, लोगों का परसेप्शन बन गया. मिंत्रा वाले ने इंस्टाग्राम पे एक घाघरा डाला था ठीक है, तो एक लड़की ने उस पर कॉमेंट किया, वाह सो ब्यूटिफुल. तो एक लड़का उस पर लिखता है, दिला दूं. इसका प्रॉब्लम ये कि इंडिया में ना हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटिंग प्लेटफॉर्म है. एक कमेंट कर दो, आप एक कमेंट कर दो कोई भी पोस्ट पे जाके, नीचे रिप्लाई आने लगेंगे, साथ रिक्वेस्ट आ जाएगी, है ना. हाँ यही होते रहता है. और क्यों, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया में जो डेटिंग ऐप बनाने नहीं आए लोगों को, लोग कुछ भी बना रहे डेटिंग ऐप के नाम. एक डेटिंग ऐप है, नहीं नहीं मिंडर नहीं, एक डेटिंग ऐप है ग्लीडन करके, वो डेटिंग ऐप है मैरिड पीपल के लिए. मतलब आपने सोने पे सुहागा सुना है, यहां पे किसी और के सुहाग के साथ सोना है. इसको इंस्टॉल करने के लिए लॉयल्टी अनइंस्टॉल करना पड़ेगा. और इंडिया में बना दिया, इंडिया में इतनी ठरक है ना कि अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा ना, लोग पॉज करके जाएंगे ग्लीडन ढूंढने, और उसमें कमेंट में लिख के भी आएंगे, थैंक यू मुनावर भाई फॉर सजेस्टिंग, ईयर आफ्टर वॉचिंग मुनावर भाई. अब जिसने वीडियो नहीं देखा उसको तो लगेगा ना मुनावर है कोई दल्ला. और इसके कैप्शन क्या रहेंगे, इसका टैगलाइन क्या होगा ग्लीडन का, कि घर का भेदी बाहर का खाया, टेढ़ा है किसी और का है. इंडिया में बना, नहीं ये टैगलाइन नहीं है. उसका टैगलाइन मैं बोलता हूँ क्या है, द फर्स्ट डिस्क्रीट डेटिंग ऐप मेड बाय विमेन. यस, मतलब औरत ने छुपके से कुछ चीज़ बनाई
और बता दी। एंड मेड बाय विमेन क्यों लिखा है? नाम लिखो ना, हमको पता है किसने बनाया, रेखा ने बनाया। वो भी सोचती होगी ना कि कब तक लोग इस जिंदगी में प्रतीक्षा रहे, थोड़ा जलसा कर ले। इसका ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक को रख लो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे नहीं, एक्स्ट्रा अंगूठा है नहीं वो, मतलब रेखा और वो दोनों, तो उसको रेखा को बोल सकता है ना कि माँ कंगना ने मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। रेखा बोलेगी देख कंगना ने तो उसकी शक्तियों का भी गलत इस्तेमाल किया। और इंडियंस को ऑफर बहुत पसंद है, इसमें ऑफर क्या आएगी, करवा चौथ पे 2 छन्नी फ्री। कूपन कोड भाभी तुम खुशियों का खजाना। एंड डेटिंग ऐप का ब्यूटी पता है क्या है? इनसिक्योरिटी एंड जेलेसी, राइट? यहाँ पे वो होगी नहीं। यहाँ पे लड़का खुद एक मैसेज कर रहा है, हस्बैंड के सो जाने के बाद मैसेज करना, सेंड टू 6। वो गलती से बीवी को भी चले गया हो, उसकी बीवी का रिप्लाई आएगा, मेरा तो हस्बैंड चूतिया किसी से चैट कर रहा है। हाय दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और एक रिक्वेस्ट थी दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस मंथ के एंड में और एक नया वीडियो आ रहा है, और इस वीडियो के एंड में इंडिया टूर की डिटेल है। पूरे प्रिकॉशंस लेकर, कोविड की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शोज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ शो पे आ जाइए। जनवरी तक की सब डिटेल्स है, पोस्टर डाला हुआ है, फर्स्ट कॉमेंट में भी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है। और अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए munawar.farooqi पे, वहाँ पे मीम्स वगैरह कुछ जोक वोक डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलना, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट के लिए। टूर पे मिलते हैं, आ जाओ टिकट खरीदो। The chase to begin now. Chhodo mamuli ye bhid ban behtareen. Modo aasteen aur kar le yakin now. Aasman ko kheench ke banana zameen. Todo apni neend. The chase to begin now. Chhodo mamuli ye bhid ban behtareen.